हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज हम बनाते हैं पिट्ठा, जो बिहार का बहुत ही नामी और फेमस यह है। तो सबसे पहले हम चना दाल को 2 घंटा के लिए भिगो देंगे। जब वो फूल जाए तो उसमें हम नमक, लहसुन, अदरक और मिर्च डाल के इसे बारीक सा इसका पेस्ट बना लेंगे। और फिर हम चावल का आटा लेंगे। चावल के आटे को गर्म पानी में इस तरीके से हम सान के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब चावल का आटा हमारा अच्छी तरीके से 2 मिनट के रेस्ट के बाद जब वो सेट हो जाए तो हम उसकी छोटी छोटी इस तरीके से लोई बना देंगे। लोई बनाने के बाद हम इसे हाथों से गोल या लंबा जैसा भी शेप देना चाहते हैं उस तरीका से शेप देंगे। और जो दाल की पेस्ट हम बना के रखे थे वो इसमें इस तरीका से भर देंगे और इस तरीका से इसके शेप को बना देंगे। इस तरीका से हाथों से दबा दबा के करके रख देना है। और एक गैस पे हमें एक बर्तन में पानी चढ़ाना है। पानी चढ़ा के मोमोज बनाने वाला जो जाली होता है उसको उसमें रख देना है और थोड़ी सी उसमें तेल को लगा देना है और सारे पिट्ठे को उसमें डाल के सिझा देना है। देखिए गाइस, हमारा पिट्ठा बनके तैयार हो चुका है। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।